नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo N53 वर्सेस Oppo R59 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo N53 में 6.59 इंच जबकि Oppo R59 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Narzo N53 से कम है। विड्थ की बात करें तो Narzo N53 में 3.02 इंच जबकि Oppo R59 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Narzo N53 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Narzo N53 में 0.29 इंच जबकि Oppo R59 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Narzo N53 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo N53 में 182 ग्राम जबकि Oppo R59 5G में 187 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Narzo N53 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo N53 में 6.74 इंचेस जबकि Oppo R59 5G में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Narzo N53 में 1080x2400 और Oppo R59 5G में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo N53 में 85.47% जबकि Oppo R59 5G में 84.46% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo N53 में 390 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Oppo R59 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo N53 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo R59 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Narzo N53 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo R59 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Narzo N53 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Oppo R59 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Narzo N53 में Mali G57 जबकि Oppo R59 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo N53 में Unisoc T612 और Oppo R59 5G में MediaTek Dimensity 6020 मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo N53 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Oppo R59 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo N53 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Oppo R59 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Narzo N53 में अप टू 2TB जबकि Oppo R59 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है,
बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नाजो N53 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 8,864 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 10,900 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें ओप्पो F59 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme Nazo N53 में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo F59 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Nazo N53 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Oppo F59 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A05 S है, दूसरा Samsung Galaxy A05 है, तीसरा Poco M6 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 13C है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।